आपसे एक प्रेम कहानी छुपाया गया है, आपसे एक प्रेम कहानी नहीं बताया गया है, उस प्रेम कहानी के बारे में नहीं जानते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीना के अलावे भी एक प्रेमी द्वारा भारत में आए थे, उनके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। शायद हो सकता है आपने सुने होंगे लेकिन उनसे इग्नोर कर दिए होंगे, लेकिन आज फिर से मैं बताता हूँ कि इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव का नाम आप सुने ही होंगे। नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए। सीमा हैदर और सचिन मीना से पहले ही एक प्रेमी जोड़ा भारत आए थे जिसका नाम था इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव। इकरा हुसैन पाकिस्तान की रहने वाली लड़की थी और हिंदुस्तान मूल की, प्रयागराज के मकसूदनपुर के रहने वाला था मुलायम सिंह यादव। उसे हो जाता है प्यार जब मुलायम सिंह यादव यूपी छोड़ के बेंगलुरु शहर में कमाने जाते हैं तो वहाँ मिलता है उनको सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी, यानी सुरक्षा गार्ड का नौकरी। सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते करते 2019 में वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं लूडो मल्टीप्लेयर गेम। लूडो मल्टीप्लेयर गेम डाउनलोड करके जब वो खेलना शुरू करते हैं तो उसको लूडो मल्टीप्लेयर गेम में मुलाकात हो जाता है इकरा हुसैन नाम की लड़की से। इकरा हुसैन नाम की लड़की से उसे मोहब्बत हो जाता है और इतनी मोहब्बत होती है कि इकरा हुसैन पाकिस्तान छोड़ के भारत आने को तैयार हो जाती है। मुलायम सिंह यादव भी उसे बुलाने को तैयार हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव उसे वीजा और टिकट दुबई के रास्ते काठमांडू तक आने की फ्लाइट टिकट बुक करवा देते हैं। इकरा हुसैन का इसी का इंतजार ही था। इकरा हुसैन झट से वहाँ से फ्लाइट पकड़ती हैं और झट से चले जाते हैं काठमांडू। 19 सितंबर 2022 में जब काठमांडू में आती हैं तो मुलायम सिंह यादव और इकरा हुसैन वहीं शादी करते हैं एक मंदिर में और वापस चले आते हैं बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु शहर में कुछ दिन रहने के बाद फिर से वहाँ से वापस चले आती हैं कहाँ, यूपी में मकसूदनपुर में। मकसूदनपुर में रहती हैं। रहते रहते एक दिन क्या होता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी माँ से बराबर बात करते रहते हैं तो बेंगलुरु के खुफिया एजेंसी को पता चलता है कि भारत से एक व्यक्ति लगातार पाकिस्तान में बात कर रहा है। आखिर बात हो क्या रही है, इसको पता लगाने के लिए बेंगलुरु के खुफिया एजेंसी सीधे चले आते हैं यूपी में और यूपी में सीधे पहुँचते हैं मुलायम सिंह यादव के घर। मुलायम सिंह यादव के घर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो बात कर रहा है भारत से पाकिस्तान। इस कहानी को और अधिक जानने से पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे सीमा हैदर और सचिन मीना के प्रेम कहानी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव का प्रेम कुछ ऐसा ही था। इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसका गवाह यूपी का प्रशासन है। इकरा हुसैन पाकिस्तान की एक लड़की थी और मुलायम सिंह प्रयागराज मकसूदनपुर गांव का रहने वाला एक लड़का था। एक दूसरे में बहुत प्यार हो गया था। इकरा अंडर ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान में ट्यूशन पढ़ाती थी और मुलायम सिंह यादव भारत के बेंगलुरु शहर में सुरक्षा गार्ड का काम करते थे। इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव का पहला मुलाकात लूडो मल्टीप्लेयर 2019 में हुआ था और उन्हें सितंबर 2022 में भारत में बुला लिया। दोनों का प्यार धीरे धीरे मजबूत होता गया और एक दिन इकरा पाकिस्तान से चलकर भारत चली आई। इकरा को मुलायम सिंह यादव भारत लाने के लिए दुबई के रास्ते काठमांडू तक का टिकट बुक कराया और दोनों की मुलाकात हुई। इकरा और मुलायम सिंह यादव काठमांडू से एक मंदिर में शादी किया और फिर दोनों वहां से बेंगलुरु के रास्ते जहां मुलायम सिंह यादव रहते थे वहां चले आए। इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव कुछ दिन रहने के बाद उत्तर प्रदेश मकसूदनपुर में चले आए। इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे। व्हाट्सएप से अपने माँ बाप से बात किया करते थे। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बेंगलुरु खुफिया एजेंसी पुलिस ने इकरा को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु खुफिया एजेंसी ने उसे गिरफ्तार करके 19 फरवरी 2023 को पाकिस्तान को सौंप दिया है। इकरा बार बार प्रशासन से और भारतीय प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही थी कि मुझे पति के साथ ही रहना है, मुझे भारत में ही रहना है और मैं भी खुश हूँ। इकरा हुसैन और मुलायम सिंह यादव दोनों खुशी खुशी यूपी में रहते थे लेकिन प्रशासन ने उन दोनों को जुदा कर दिया। आपने रिपोर्ट देख लिया, आपने देखा कि किस तरह सीमा हैदर अंडर ग्रेजुएट थी, वहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी और यहाँ होम गार्ड सिक्योरिटी गार्ड के काम करने वाले लड़का से मोहब्बत हो जाता है और अंडर ग्रेजुएट लड़की भारत के लड़का से प्रेम कर बैठती है। बार बार सरकार से गुहार लगाती है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसे भेज दिया जाता है। और कब भेजा गया, 23 फरवरी 2023 को। 23 फरवरी 2023 को इकरा हुसैन को पाकिस्तान जाना पड़ा, दो दिलों को अलग रहना पड़ा।
इतने दिन रहने के बावजूद भी उन्हें अलग जीना पड़ता है। और आज भी इकरा हुसैन पाकिस्तान में है और मुलायम सिंह यादव पुलिस के कस्टडी में है। क्या आपको नहीं लगता कि सीमा हैदर के साथ यही होने वाला है? तो सबसे पहले सीमा हैदर का ये रिकॉर्ड देख लीजिए। उसी तरह सीमा हैदर की सचिन मीना से प्यार हो गया है। सीमा हैदर कहती हैं कि मुझे सब पबजी के माध्यम से सचिन से मुलाकात हुआ। पबजी खेलते खेलते हम दोनों में काफ़ी मोहब्बत हो गई। हम दोनों कब एक हुए पता नहीं चला। सीमा हैदर ने बताया है कि हम सचिन मीना से दो बार नेपाल काठमांडू में मिल चुके हैं। सीमा हैदर और सचिन मीना का प्रेम कहानी पबजी से शुरू होकर खुफिया एजेंसी में रुका हुआ है। क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ सकता है? इसमें अगर भारतीय कानून के अनुसार देखा जाए तो बिल्कुल जाना पड़ सकता है। अगर सीमा हैदर के पास में पासपोर्ट या वीज़ा होता तो भारतीय कोर्ट में सुनवाई की जा सकती थी और कोर्ट इस पर कुछ संज्ञान लेता। सीमा हैदर को भारतीय पुलिस पाकिस्तान को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन सीमा हैदर अपने पति के साथ रहना चाहती है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इस दिलचस्प कहानी का अंत क्या होगा? आप बने रहिए नमस्ते इंडिया के साथ, मैं ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल सीमा हैदर और सचिन मीना मीडिया से बात करना बंद कर दिया है। सीमा हैदर साफ साफ कह रही हैं कि अगर मुझे खुफिया एजेंसी लगता है कि हम एजेंसी हैं तो जांच करके मुझे पाकिस्तान भेज सकती हैं। मैं अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ अपना जीवन गुजर बसर करना चाहती हूँ। सीमा हैदर सचिन मीना के साथ कुछ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आना अभी बाकी है। जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई इस प्रेम कहानी को खुफिया एजेंसी से जुड़कर देख रहा है तो कोई राष्ट्रीय हित से, कोई इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है। जिसका मोहब्बत कहानी देखने के लिए आपने सीमा हैदर का रिपोर्ट देख लिया, सीमा हैदर का पूरा प्रेम कहानी जान लिया, लेकिन सीमा हैदर के साथ क्या होगा आपने नहीं जाना। कुछ आदमी ने अनुमान लगा लिया होगा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना होगा और सीमा हैदर को भी और सचिन मीना को भी पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन पुलिस कस्टडी में रहना पड़ता है, फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या सीमा हैदर को भेजा जाएगा? तो यूपी के हर पुलिस जानती है कि इकरा हुसैन को जब भेजा गया था तो किसी पुलिस के मन नहीं था कि इकरा हुसैन को भेजा जाए। लेकिन सीमा हैदर पर लगता है आरोप कि ये खुफिया एजेंसी है। उसी तरह इकरा हुसैन को भी लग रहा था कि ये खुफिया एजेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं था। इकरा हुसैन सच्चे दिल से प्यार करती थी और वो पति के साथ जीना चाहती थी, जैसे आज इकरा सीमा हैदर भी अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, सचिन मीना के साथ। लेकिन आप सोच के हैरान होंगे, भारत में सभी लोग यही सोच रहे हैं कि सचिन मीना उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सीमा हैदर को उसमें दिखता क्या है कि इतना प्यार करती हैं। सीमा हैदर शुद्ध हिंदी बोलती हैं, इंग्लिश का उपयोग भी अच्छा करती हैं, लेकिन उनके पास में चार बच्चे हैं। तो लेकिन शक कैसे नहीं जाएगा उस पर कि आप खुफिया एजेंसी हो? तो इस कड़ी को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान से जो आई है सीमा हैदर, वो तो खुफिया एजेंसी है या नहीं वो जांच का विषय है। लेकिन एक बात कंफर्म है, अगर इकरा हुसैन जैसा प्रेम कहानी है तो मेरा गुजारिश है कि प्रेमी जोड़ा को नहीं करना चाहिए। एक कहावत है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो खेल मजाका है, दिल किसी का मत तोड़ बंदे, ये तो घर खास खुदा का है। तो सच में उसे नहीं तोड़ना चाहिए, उसे नहीं भगाना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे कम से कम एक साल में खुफिया एजेंसी के बीच में रखा जाए। हो सकता है उसमें खुफिया एजेंसी में बहुत सारे चीज़ हैं, जब SIS के एजेंट वहाँ भेजेंगे तो उसकी बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट लगाएंगे ताकि भारत का सारा इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचता जाए। और हाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में एक डिवाइस को सेट किया जा सकता है और सारी खबरों को भारत से वहाँ लिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो भारतीय खुफिया एजेंसी को कम से कम इस पर पूरी निगरानी करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके बाद व्यक्तित्व सुरक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम चाहेंगे कि सीमा हैदर को सुरक्षा एजेंसी ले जाए और कम से कम उन्हें जांच पड़ताल करके फिर छोड़ दिया जाए। अगली खबर के लिए इसी तरह नमस्ते इंडिया देखते रहिएगा, तब तक के लिए जय।